हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन दिस इज वीरज शाह फ्रॉम ट्रिपल हैमर। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल यूट्यूब सीरीज एज वेल एज हैशटैग आस्क ट्रिपल हैम के अंदर। हैशटैग आस्क ट्रिपल हैम के अंदर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स। एंड इसकी वजह से, ये सारे वीडियोज की वजह से, जो सारे डाउट्स एंड जो क्वेरीज को सॉल्व आउट करते हैं हम लोग, इस वीडियो सीरीज की वजह से काफी सारे लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फॉर दिस सीरीज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आज के क्वेश्चन की बात करें तो आकाश कुल्लू करके हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर मार्केट में जो डिमांड है वो तो ऑलरेडी पूरी हो रही है, मतलब देर आर ऑलरेडी सप्लायर्स एंड देर आर ऑलरेडी बायर्स, दे आर ऑलरेडी बाइंग फ्रॉम द मार्केट, तो जो डिमांड है वो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, तो कोई भी बायर कोई नए एक्सपोर्टर से क्यों खरीदेगा, राइट? क्यों परचेज करेगा उसके पास से? सो आकाश जी, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी चीज समझने की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि जैसे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टील की बात करें, इंडिया के अंदर ऐसी बहुत लार्ज कैप कंपनीज हैं जो स्टील का बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर नंबर ऑफ एमएसएमईज या फिर मिडल लेवल की जो कंपनीज है वो भी स्टील का इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। 50 साल पुरानी कंपनी भी है, 25 साल पुरानी भी कंपनी है, 2 साल पुरानी भी कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करती है, स्टील के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि एग्जिस्टिंग मार्केट, हम लोगों को लगता है कि डिमांड सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बहुत कम प्रोडक्ट या बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है या डिमांड को ओवर कम कर लेता है सप्लायर, राइट? तो द सप्लाई, द डिमांड इज ऑलवेज बीन इंक्रीज, द सप्लाई इज ऑलवेज बीन इंक्रीज। जहां पे हम लोगों ने पूरे या किसी ने नहीं सोचा था कि एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर या जो बंदा कभी भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं था, ऐसे लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम किया हुआ है। जस्ट वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी, राइट? कोविड की वजह से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को लोगों ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट की भी बात करें, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे 15 साल से 25 साल से एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी अनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पोटेटो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नए नए एक्सपोर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं और उनका भी बिजनेस हो रहा है। अगर आपके आजू बाजू के सिटी के अंदर या अपने एरिया के अंदर भी आप देखोगे, नई नई दुकानें ओपन होती हैं, नए नए लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या उनका बिजनेस नहीं होता है? एवरी पर्सन, एवरी सिंगल बिजनेस पीपल, दे आर क्रिएटिंग द बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ के सामने डिमांड भी बदलती रहती है। डिमांड हमेशा वो ही नहीं रहती है, डिमांड चेंज होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, बट डिमांड इज गोइंग टू बी इंक्रीज एज वेल। तो यहाँ पे जैसे नए एक्सपोर्टर्स खड़े होते हैं, वैसे नए इम्पोर्टर्स भी खड़े होते हैं। एंड इवन अगर आप देखोगे तो कोई भी बायर किसी भी सप्लायर से पूरी जिंदगी परचेस करेगा ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दे माइट बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं सप्लायर का कुछ इश्यू हो जाता है, कोई क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस को मैच नहीं कर पाता है। सो एवरी बायर वुड लाइक टू हैव द नंबर ऑफ सप्लायर्स, राइट? और धीरे 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 करके अगर उसका बिजनेस बढ़ता है तो उसको और ज्यादा क्वालिटी चाहिए और डिफरेंट क्वालिटीज चाहिए, उसके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियोज एड ऑन होते रहते हैं। अगर जैसे कोई फॉरेन का बायर है, वो पहले अगर सिर्फ होल स्पाइसेस में डील करता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास रिक्वायरमेंट आती जाती है वो स्पाइसेस मिक्सेस बनाना शुरू करता है। अब वो स्पाइसेस मिक्सेस बनाने के लिए उसको और ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है एंड अकॉर्डिंगली ही विल बी हैविंग द मोर रिक्वायरमेंट, ही विल बी गोइंग टू बाय द मोर प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर डिमांड फुलफिल हो रही है तो नए एक्सपोर्टर्स को काम नहीं मिलेगा, बट जैसे नए एक्सपोर्टर्स होते हैं वैसे ही नए इम्पोर्टर्स भी मार्केट में खड़े होते हैं। डिमांड बदलती रहती है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बदलते रहते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, ये सारे रीजंस की वजह से। एंड एट द एंड ऑफ द डे एनी बिजनेस इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कभी फुलफिल होने वाला बिजनेस नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर फॉर द years and years, for the lifetime it is going to be there. तो ये टेंशन मत लीजिए कि मेरे से कौन परचेस करेगा। हर कोई दुकान नई अगर खड़ी होती है तो उससे परचेस करने वाले लोग मार्केट में आ ही जाते हैं एंड डिमांड एंड सप्लाई का गैप फुलफिल होता रहता है। तो ये टेंशन मत लीजिए कि आपसे कौन परचेस करेगा। हाँ, बट आपसे नए एक्सपोर्टर से परचेस करने के लिए उसको जो ट्रस्ट वर्दीनेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करे, आपकी जेन्युइनिटी क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आप कितना क्वांटिटी कंसिस्टेंटली सप्लाई कर पाओगे। यू वॉन्ट बिलीव दिस आकाश जी, पर ये होता है।
अगर हम लोग इंडियन मार्केट में देखें, कोई बायर आके ऐसा बोलेगा कि मुझे मंथली 50 कंटेनर चाहिए कंसिस्टेंटली। देखो अगर उसकी रिक्वायरमेंट 50 कंटेनर की है, अगर वो एक महीने दे पाता है, दूसरे महीने दे पाता है, तीसरे महीने अगर नहीं दे पाता है, डेफिनेटली दैट बायर इज गोइंग टू लुक फॉर अनदर सप्लायर। तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी भी देनी पड़ती है, क्वांटिटी भी देनी पड़ती है, प्राइस को भी आपको मैच करना पड़ेगा। सो देर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया जिसकी वजह से नए एक्सपोर्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। सो होपफुली आकाश जी अपने आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ वंडरफुल एक्सपोर्ट बिजनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट पुट अप इन टू द कमेंट्स एंड वी विल बी गेट विद द वीडियो। तो यहाँ पे आस्क प्लान के अंदर वी आर मोर देन वेलकम एनी डाउट्स एनी क्वेरीज फ्रॉम एवरी व्यूअर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, वी विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट। एक और चीज, हमारा ट्रिपल एम का एप्लीकेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो जस्ट डाउनलोड इट, जल्दी से डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और भी अगर उसके अंदर कुछ हेल्प लगता है तो वी आर ऑलवेज देयर। हमारी वेबसाइट है, हमारे काउंसिलर्स के नंबर वहां पे दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट गो ऑन द नंबर एंड यू कैन मेक अ कॉल ऑन दैट नंबर। सो थैंक यू वेरी मच।